नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल फ्लाइंग विंग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल मैं हूँ देहरादून में और ये देखिए मौसम जैसे बीते कुछ सालों में होता था कि होली के बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता था, हमें बिल्कुल ठंड का बिल्कुल भी पता नहीं लगता था कि मौसम कब चेंज हो गया। और इस बार देखो आसमान में बादल लगे हुए हैं, मतलब मौसम फिर से दोबारा से ठंडी आने लग गई है। और आजकल भी हम लोग रात को रजाइयाँ उड़ रहे हैं क्योंकि मौसम कुछ ऐसे ही उड़ रखा है, तो क्या करें। और अभी मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ के चारों ओर के कुछ नज़ारे। दोस्तों नीचे बच्चे खेल रहे हैं, और ये देखिए दो भोले पंछी। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिव्या चुनकी से पूछना चाहूँगा कि क्या क्या प्लान कर रहे हैं और वो लोग आज, क्योंकि आज हम जाने वाले थे, पहले तो झंडा मिला और वहीं से हमें आगे भी जाना है कहीं। तो देखते हैं अभी खाना खाने के बाद इनका क्या प्लान होता है, तो मैं पूछता हूँ इनको। तो मैं हूँ साक्षी और ये है मेरी बड़ी बहन दिव्या। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम झंडे मेले का प्लान कर रहे हैं, तो अभी अगर वेदर सही रहा और सब कुछ अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली जाएंगे, और अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो मुझे लगता है फिर घर में पकौड़े बनाने पड़ेंगे, पकौड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आजकल डेली शाम को मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी आप देख सकते हो एक साइड से पूरे काले बादल आ चुके हैं और इधर और बार यहाँ से मसूरी पूरा साफ दिखाई देता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल पूरे बादल बादल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, हर तरफ फॉगी फॉग है। और हाँ दिव्या, कुछ बोलना चाहती है? भैया मैं बोल रही हूँ कितनी सुंदर हवा चल रही है, हमारे बाल भी उड़ रहे हैं। हाँ, और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ हमारे कैंपस के बच्चे। हमारे ठीक आगे जो छत दिखाई दे रही है, यहाँ पे दो छोटी छोटी बच्चियाँ डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन वो हमें देख के छुप गई। वो इस वाले छत पे थी यहाँ पे अभी, ये देखो, और उनकी दीदी उनको सिखा रही है, लेकिन वो लोग हमें देख के भाग गए। और ये देखिए, ये है हमारे कैंपस के बच्चे। आजकल इनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई है, पेपर वेपर ख़त्म हो रखे, तो ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो रखे, और रात दिन इन्होंने एक किया हुआ है, रात को भी यहीं घूमते रहते हैं। मुझे भी कोई मिल जाए खेलने के लिए, लेकिन ये जा नहीं रही अभी, ये बहुत देर से देखे जा रही है नीचे। बेचारे बच्चे। और ये देखो यहाँ पे एक ये कुत्ता है। तो चुनकी के कबूतर भी हो चुके हैं थोड़े से बड़े, और अब चुनकी उनको दिखाने वाली है, जिन पे कि परसों तक बिल्कुल बाल भी नहीं आए थे। तो चुनकी हमें दिखा के लाएगी कि कितने बड़े हुए उसके कबूतर। तो देखो दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूँ मेरी बालकनी में, और ये रहे हमारे कबूतर, जो कि कल आपको एक ही दिख रहा था, आज दो कबूतर हैं, और आप देखिए थोड़े से बड़े हो चुके हैं। और इनकी मम्मी अभी शायद इनके लिए खाना लेने गई हैं, और ये भी इनके थोड़े थोड़े पंख भी आ गए हैं बड़े होने के कतार में। मुझे लगता है ये मुझे देख के थोड़े डरे हुए हैं, तो इसीलिए आप हमने छोड़ देते हैं ताकि ये ना डरे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ताकि इन्हें नेचर वाला फील हो, इन्हें काफ़ी अच्छा लगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पौधे लगा रखे, प्लांट्स उगा रखे, और बहुत ही खूबसूरत फूल भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इनके लिए फूल लगा रखे हैं यहाँ पे, और हम इन्हें पानी भी देते हैं, अभी इनका घड़ा यहीं पे रखा हुआ है। तो गाइस, प्लान तो था हमारा आज झंडा मेला जाने का, लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद सब लोगों को सुस्ती आने लग गई और हम लोग सो गए, और अभी जस्ट आधे घंटे पहले हम लोग उठे ग्राउंड में झंडे गाने आए, और वहाँ हम यहाँ पे इस जगह के लिए बोलते हैं टी गार्डन। ये देखिए, तो मैं अभी इसको वहाँ से दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा लगता है ये, और शाम को यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। वैसे कहते तो टी गार्डन है इसको, लेकिन है पता नहीं क्या, ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी उड़की बस। तो अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको आगे से, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है इसका। और ये है वसंत विहार से, वसंत विहार और सीमा द्वार की बैक साइड में। तो गाइस ये देखिए, ये है टी गार्डन, ये देखिए बहुत बड़ा एरिया है इसका, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।